हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुजाता और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कुशल मंगल होंगे। फ्रेंड्स, किसी रीज़न की वजह से मैंने इतने दिन वीडियो नहीं बनाए फ्रेंड्स, और मैं आज अपने तीन नन्हे मुन्ने स्पाइडर प्लांट्स के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरे प्लांट्स इतने हरे भरे क्यों हैं, इतने चमकदार क्यों हैं। फ्रेंड्स, इसमें से एक छोटे से नन्हे मुन्ने प्लांट्स निकले हैं जो कि मैंने इस तरह से ग्रो किए हैं। आप भी इस तरह से ग्रो कीजिए, देखिए बहुत ही जल्दी ये प्लांट्स लग जाएंगे, प्लांट्स ख़राब नहीं होंगे। जैसे ही बड़े हो जाए तो ना आप इस टहनी को काट दीजिएगा, तो फिर ये प्लांट्स बहुत ही अच्छी तरह से बन जाएंगे। फ्रेंड्स, इसकी जो लिप्स है ये बिल्कुल सॉइल से सटे हुए रहते हैं, जिसकी वजह से हमें पानी कम देनी पड़ती है, नहीं तो इसमें फंगस लग जाते हैं और प्लांट्स मर जाते हैं। फ्रेंड्स, इसकी जो सॉइल है इसे हमें बिल्कुल हल्की सॉइल बनानी है, भुरभुरी सॉइल बनानी है, जिसके लिए हमें 50% आपको कोकोपीट लेनी है, 30% गार्डन सॉइल और 20% कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट आप ले सकते हो। महीने महीने में एक बार ही इसे आपको फर्टिलाइज़र देनी है, सॉइल में मिक्स करके, या तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हो। फ्रेंड्स, इसे धूप की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, मैंने भी इसे शेडी एरिया में रखे हुए हैं और इसमें इतनी हरियाली इसीलिए हुए हैं। और फ्रेंड्स, जब आप इसको नर्सरी से लाओ तो बिल्कुल जल्दबाजी ना करें कि एक ही बार में आप इसे बड़े गमले में लगा दोगे और बहुत सारे प्लांट्स निकल आएंगे। नहीं, ऐसे नहीं होंगे फ्रेंड्स, आपके प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे। आपको छोटे से गमले में लगानी है, जैसे कि 3 इंच के गमले में आप लगाइए, देखिए कितनी सुंदर ये प्लांट्स तैयार होंगे। फ्रेंड्स, इसमें पानी तब दे जब इसके पत्ते बिल्कुल बंद होना शुरू हो जाए, या तो मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाए, तभी आप इसमें पानी दें, तभी ये प्लांट्स बहुत ही अच्छे बनेंगे और हरे भरे रहेंगे। आप देखिए, इस तरह से अगर आप प्लांट्स मेरी तरह से लगाओगे तो ज़रूर अच्छे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, बाय माय फ्रेंड्स।